की तरह ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बाबा मुनराम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो जैसा कि आप सब ने देखा, पार्थ के स्कूल का हो चुका है टाइम। चले अब चलो हैंकी ले लो, कैंसल है। चलो हाँ तो खड़े होइए, चलो लो जी खड़े होइए। चले हम स्कूल, चले हम आते जाते रास्ते में, पार्थ के बस्ते में हाउ आ जाएगा, फिर पार्थ को खा जाएगा। टाटा टाटा सीलो, बाय बाय। तो अब मैंने ऊपर आके सारा ऊपर सेट कर दिया है, नीचे मैं सारा काम कंप्लीट करके आ चुकी हूँ। अब ऊपर भी सारा जो भी आपने देखा था कैसा हो रहा था पार्थ के बाद, वो अब मैंने किचन सब सेट कर दिए। अब हो चुकी हूँ मैं अपने सारे काम से फ्री। जैसा कि आप सबने देखा, ऊपर नीचे का मेरा सारा काम हो चुका है कंप्लीट, और पार्थ भी जा चुका है स्कूल। अभी पार्थ स्कूल से आए नहीं है, पार्थ आएगा 1 बजे के आसपास स्कूल से। तो तब तक वीडियो ब्लॉग और थोड़ा बहुत देर ऑनलाइन में, और टीवी तो खैर मैं देखती नहीं हूँ, और कुछ ना कुछ काम पूरे दिन में निकलता ही रहता है उस चीज़ में। अब पता भी नहीं चलेगा कि कब टाइम कट जाएगा और कब पार्थ आ जाएगा स्कूल से। बाकी काम सारा प्रॉपर मेरा हो ही चुका है। मौसम का भी कुछ नहीं पता, मौसम का ऐसे ही रहता है, कभी खुल जाता है कभी बारिश का सा हो जाता है। नहीं भी होता है तो हमें पहले से पहले ही डरा देता है कि हाँ बारिश होने वाली है। तो अब मैं बैठी हूँ बिल्कुल फ्री, और आगे मैं व्लॉग में, ये है मेरा रिक्वेस्ट वाला व्लॉग, तो मैं इसमें आगे आपको बताऊंगी कि मेरे पास क्या रिक्वेस्ट आई थी। और आज मैं ये व्लॉग जो स्टार्टिंग सुबह से ही मैंने इसकी कर दी थी, लेकिन मैंने क्लिप सारी छोटी छोटी ली है क्योंकि काम करते हुए नहीं दिखाया। फिर ये हो जाता है कि काम करो और फिर व्लॉग दिखाते रहो, तो कंटिन्यू आपको पता ही है वही काम सेम टू सेम होते ही है डेली के। तो इसलिए आज मैंने प्रॉपर फैला हुआ दिखाया, फिर उसके बाद में प्रॉपर कर लिया वो आपको दिखाया है। तो ऐसे ही जुड़े रहे वीडियो में अभी लास्ट तक, देखना कि क्या रिक्वेस्ट थी किसी की, कि हाँ मतलब उन्होंने मुझसे क्या बोला है, वो मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी अभी आगे, क्योंकि अभी उसका टाइम नहीं हुआ है। जब उसका टाइम होगा मैं तभी दिखा पाऊंगी उसको, उसका टाइम ही लेट का है। अब तब तक आप आइडिया लगाइए कि वो क्या है। तो जुड़े रहे ब्लॉग में, आगे मिलते हैं थोड़ी देर में। हल्की हल्की सी बूंद आने लगी जो डेली का काम है, आती ही है। अंधेरा सा हो गया बिल्कुल, देखो ऐसी हो रही है, शायद बारिश हो सकती है।
हल्की हल्की बूंद तो आ रही थी, अब भी आ रही है हल्की हल्की बूंद। तो पर बारिश अभी स्टार्ट नहीं हुई, मौसम तो पूरा हो चुका है कि बारिश होगी, देखो पता नहीं होगी या नहीं होगी। कंचन ने बोला दीदी आपके यहाँ डेली बारिश होती है, हमारे यहाँ नहीं होती। कंचन नज़र लगा दी तो उन्हें, अब नहीं हो रही। देखो रोज़ मौसम होता है लेकिन बारिश ही नहीं हो रही। तो बारिश हल्की हल्की बूंदों से हो गई थोड़ी तेज, सही है ठंडक हो जाएगी। नमस्ते। अरे मेरे बच्चा खुश रहो, आ गया पार्थी स्कूल से। अम्मा जी ने इसलिए काट दिए कि वैसे हो रहे, वैसे झूठे नहीं है। मैं भी कट करके दूंगी आपको। अब मैंने तो चार अमरूद रखे, वो तेरी वजह से ही नहीं खाए कि कभी पार्थ खाएगा आके। मैं नहीं खाऊंगी। उनको नहीं खाओगे, इनको खाओगे? हाँ। चलिए ये वाला खाऊंगा। अच्छा ये वाला खाएगा। अंग्रेजी फल अंग्रेजी 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 को भूत चढ़का है आज। अंग्रेजी पूछा मतलब अंग्रेजी क्या? अंग्रेजी जो टम टमाटर में खेलते हैं। टमाटर में खेलते टम टमाटर सबसे ज्यादा कौन खाता है टमाटर? आप तो बिल्कुल भी नहीं खाते। ये ना सब्जी या चावल में भी होंगे ना टमाटर जैसे दिख जाएंगे, उन्हें साइड कर देगा, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं खा सकता टमाटर। पहले कपड़े उतार चल। क्या कर रहे हो आप ही? कुछ तो कर रहे हो। कहाँ बना रहा घर? नानी का ना तो कहाँ है? हाँ अच्छा, नानी का भी बनाया? अच्छा ये नानी का है, अब किसका बना रहा है? अच्छा वो तेरा है, तेरा नानी का है आज। मुश्किल से मैं क्यों बिगाड़ूंगी नानी का घर? ना ना मैं नहीं बिगाड़ूंगी। तो अब मेरा हो चुका है खाना वाना, मेरा बन गया। अब मैं आ रही हूँ ऊपर अंगारी लेके, अब मैं करूंगी पूजा। मैं जो ये दिया रखती हूँ पूजा में, उसमें मैं अंगारी लेके आती हूँ। अंगारी पे मैं घी छोड़ती हूँ, घी छोड़ने के बाद मैं लौंग का जोड़ा डालती हूँ इस पे, और मैं मिश्री के कुछ दाने डालती हूँ, और बाकी फिर जो मैं धूपबत्ती लगाती हूँ अगर वो थोड़ी बहुत नीचे बच जाती है वो भी मैं इसी पर डाल देती हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है ऐसे ही पूजा करनी। अगर मैं अंगारी नहीं रखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी पूजा कम्प्लीट नहीं है, मेरी जोत कंप्लीट नहीं है। तो इस तरह से मुझे जोत बलानी बहुत अच्छी लगती है, तो ये मैं ऐसे ही जलाती हूँ। मेरे पास इसके लिए रिक्वेस्ट आई थी, तो बोलो बाबा मोहन राम की जय, नीले घोड़े वाले की जय पूरी। तो जैसा कि आप सबने देखा, मेरा जो मैंने आपको व्लॉग में दिखाया था वो ये था। मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी, जिन्होंने बोला था, एक नहीं सॉरी दो आई थी, दो मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि आप प्लीज़ ये बताओ कि आप जो पूजा में दिया जलाते हो उसमें आप क्या क्या जलाते हो, और क्या आप डेली जलाते हो? तो मैं ये डेली दोनों टाइम ही जलाती हूँ, जब तक मैं ये नहीं जलाती हूँ मुझे अपनी पूजा अधूरी सी लगती है इसके बिना। तो जैसा कि आप सबने देखा, मैं दिए में अंगारी रखती हूँ, अंगारी पे घी खेरती हूँ, और उस पे लौंग का जोड़ा चढ़ाती हूँ, मिश्री के कुछ दाने डालती हूँ। अगर मैं कभी धूपबत्ती लगाती हूँ और वो धूपबत्ती नीचे से बच जाती है तो मैं इसे ऐसी नहीं डालती हूँ, मुझे अच्छी लगती है मैं अंगारी पे डाल देती हूँ उसे, उसकी खुशबू भी उसमें अच्छी हो जाती है। मैं ऐसा करती हूँ, और वैसे मतलब ये करना चाहिए, अंगारी पे घी डालना चाहिए और लौंग का जोड़ा, और प्रसाद में कुछ भी हो, बताशे मिश्री कुछ भी आप डाल सकते हो उस पर। तो ये ऐसे करते हैं पूजा, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मुझे अच्छा लगा कि आप मतलब किसी ने मुझसे कहा कि वो भी ऐसा कर सकते हैं, प्लीज़ बताएगी
ऐसे मैं पूजा करती हूँ वो क्या डालती हूँ, क्योंकि वो भी करना चाहते, तो चलो अच्छी बात है कि किसी को सीखने के लिए मिला और मुझे भी आप सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर मैं कभी गलती करती तो आप कमेंट में बता देते हो कि हाँ आपको ये ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए, और कभी मेरी चीज़ आपको नोटिस करते हो तो आपको लगता है कि वो चीज़ आपको करनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक दूसरे के साथ ऐसे ही कुछ ना कुछ शेयर करते रहना चाहिए, जिससे जो चीज़ जिसको नहीं पता वो भी उसको पता चल जाती है। तो मैं इस तरह पूजा करती हूँ जो मुझे अच्छी लगती है, आप भी ऐसे ही कर सकते हो, डेली कर सकते हो, दोनों टाइम कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, आपका जैसे मन करे जब कर सकते हो, या फिर भाई आपकी जैसी भी इच्छा है वैसे कर सकते हो। जिसके घर अंगारी अवेलेबल नहीं होती हर बार, तो खास करिए संडे में करो, या फिर व्रत है जब तो किया करो, क्योंकि मेरे साथ भी कई बार ऐसे हो जाता है कि घर पर जाके मैं अंगारी नहीं खेल पाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर होता है कि परमानेंट आँच नहीं दबी होती, और हमारे यहाँ पे ये होता है कि परमानेंट आँच होती है। सुबह शाम किसी भी टाइम में पूजा करूँ दोनों टाइम मुझे आँच मिल जाती है, तो मैं इसलिए वो लेके आती हूँ। और फिर अंगारे पे ये तीन दो चीज़ें डालती हूँ, घी का जोड़ा, सॉरी तीन घी का जोड़ा और मिश्री बताशा जो भी डालती हूँ, कोई प्रसाद ज़रूर डालती हूँ, मिश्री बताशा या चवैनी में से जो भी डाल सकते हो दाल अवेलेबल है वो डाल सकते हो आप, और तीसरा घी उसके ऊपर, और फिर माचिस से जला दो उसको, वो भी पूजा की तरह जल जाती है, बहुत अच्छी लगती है। तो मैं अपना एक ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, आई होप आपको समझ आ ही गया होगा जो आपने मुझसे पूछा था, क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखा करो, एंड लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, अब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।